गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। देख सकते हो दोस्तों कैसा जाम लगा हुआ है। आज तो फंस गया, ड्यूटी के लिए निकले हुए हैं और इतना ज़बरदस्त जाम है। ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज बन रहा है देवघर का रेलवे फाटक में, पूरा जाम ही जाम लग रहा है। देखिए एकदम पूरा आगे तक एकदम जाम पड़ा हुआ है। आज तो पक्का लेट होने वाला है। देखो इधर पीछे भी देख सकते हो कहाँ तक गाड़ी है लगा हुआ। रोड का हालत देखिए, रोड कैसा हो रखा है ब्रिज बनने के चक्कर में, पूरा टूटा फूटा जैसा तैसा। अभी ब्रिज का काम देखिए चल रहा है और बड़ा बड़ा गाड़ी सब आके ना रोड को जाम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, हाँ सब एक ही बार घुसा देते हैं तो क्या होगा। देखिए पूरा का पूरा रोड खा के चल रहे हैं भाई लोग, फिर कहाँ से अगला लोग को मिलेगा जगह। हम अभी टोटो में हैं, ये देख सकते हो अभी टोटो में बैठे हुए हैं। अब पूरा जाम ही जाम है। चलो दिखाता हूँ नज़ारा अभी। कोई फायदा नहीं है, पूरा जाम हो गया है। तो देखिए रोड का हालत बहुत ख़राब है जिसके कारण से जाम हो रहा है। और जहाँ पे ये फाटक है वहाँ पे तो और भी रोड पतला है थोड़ा, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। ये जब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं बन जाता ना तब तक इसी तरह से दिक्कत होता है, हर रोज़ फंस जाते हैं यहाँ पे। ये रोहिणी से पहले वाला फाटक है, कहिए तो ये देवघर का मेन फाटक है। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं रेलवे क्रॉसिंग क्लोज किया गया है। ये देख सकते हो आपको देखने को मिल रहा होगा उसका जो क्लोजिंग वाला जो होता है ना, वो अभी भी खड़ा है, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग क्लोज नहीं है लेकिन लोग जाम करके रखे हुए हैं इस तरह से। हम जल्दी जाएंगे जिसके कारण से जाम हो गया है पूरा एकदम आगे तक। देखिए जाम ही जाम है। कब तक चलता है भैया? ये तो हम लोग को 5 मिनट खा गया है और देखिए कितना देर खा रहा है टाइम हम लोग का। अभी बाइक वाले लोग भी परेशान ही हैं क्योंकि बाइक भी निकलने का जगह नहीं है। ट्रेन आया नहीं है पहले बंद। और ट्रेन आया ही नहीं है उसका, वो तो गिरा ही नहीं है फुटुआ। हाँ ये देखिए खुटा तो खड़ा है, मतलब वो खुला है। अब जाम कैसे लग गया है वो तो भाई आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। और दिन ऐसा नहीं होता है? हाँ फाटक खुलता है 2-4-5 मिनट जो भी लगे टाइम हो जाता है, लेकिन अभी तो फाटक भी खुला है उसके बाद भी कंडीशन ऐसा है। बाइक वाले लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। ये गाड़ी घुस गया उधर, दूल्हा बाबू वाला गाड़ी, वो कहाँ जाएगा भाई। किधरों घुसाने से कोई फायदा नहीं है, फाटक खुला है बाइक वाले को निकलने का चांस मिल सकता है लेकिन ऑटो टोटो कुछ भी नहीं निकल सकता है, मुश्किल ही है। किसी जाएगा नहीं, कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है, कैसे होगा, कोई जाके हटाना चाहिए थोड़ा। सब लोग बैठ गए गाड़ी बंद करके आराम करने के लिए, क्या ही बोले। पता नहीं भैया क्या हो गया है।